ओए 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 कसम से यार कमाल एक हिस्ट्री है ऐसा बोलते हैं कि हाँ। जब पांडव वनवास को आए थे तो उस टाइम वो इस जगह भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर ये धान की खेती की थी। अच्छा उन्होंने की थी। अच्छा ज्यादा जोला जबरदस्त। तो दोस्तों ये है दान कसर और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ जो जानवर है उनकी हड्डियाँ यहाँ पे बीच बीच में साइड साइड में और यहाँ आगे बहुत ही अच्छा यहाँ धान उगी है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ दलदल बहुत है और ये मेरे भाई लोग अंदर घुस गए हैं। देखो कितना दलदल है यहाँ पे, देखिए इंजॉय कर रहे हैं वकील लोग। मैं बता दूं कि ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो शायद डूब जाए। और यहाँ पे नेचुरल धान उगा है, हर साल यहाँ पे नेचुरल खेती होती है। पांडवों के टाइम से ये धान उगी यहाँ पे। जिस वक्त पांडव अज्ञातवास में गए थे, जो वनवास में गए थे, उसके बाद जो अज्ञातवास था उनका, उस वक्त मानना है लोगों का कि उसके बाद पांडव यहाँ आए थे और उस वक्त उन्होंने यहाँ पे धान की खेती की थी। और आप देख सकते हैं ये आज तक भी यहाँ पे धान उगा है, उस युग से लेके आज भी यहाँ पे धान उसी तरह से उगा है और हर साल यहाँ पे धान उगता है। और जिस तरह आपको मालूम है कि धान की खेती के लिए दलदल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे नेचुरल रूप से पानी यहाँ पे अवेलेबल रहता है और यहाँ पे भगवान का विवास है और यहाँ पे हर साल यहाँ पे देवता आते हैं और यहाँ पे पूजा होती है। और अभी मेरे दोस्त लोग आगे जा रहे हैं और थोड़ा फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ, और फोटोशूट कर रहे हैं फिलहाल हम। हॉर्स भी नहा रहे हैं और घास चर रहे हैं, जो यहाँ पे धान लगी है वो चर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हॉर्स आए यार, काश यहाँ पे राइडिंग करने का, कितना मजा आता इनके। अगर राइडिंग करने का मौका मिलता तो मैं कसम से राइड कर लेता। कमोन कमोन लेते से गैस कर ले नीचे से। अच्छा छोड़ो वो कुंभड़ी
तो फुटु काढे ता गेलो कोना पूजा वीडियो बनकी संगलीत जाओ तू जात खाती मुसाफिरा।